जय श्री कृष्ण। मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम आज एक्सरसाइज जो 15 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, तो कल अपन ने एग्जाम्पल्स कर लिए थे, आज एक्सरसाइज 15 पॉइंट है, एक के अपन रिमेनिंग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो भी बाड़ लगाई गई है, जो भी तारबंदी करवा रहा है, वो हमेशा ही उस वर्ताकार है या वर्गाकार है, तो उसमें परिमाप या परिधि पे होगी, और जो जुताई कराने का जो काम होगा वो हमेशा ही क्षेत्रफल पे होगा। तो यहाँ पे जैसे ये वर्ताकार खेत है, तो 24 रुपये के हिसाब से कुल आपको व्यय दे रखा है। मान लो कहीं पे 5 रुपये का खर्चा लग रहा है प्रति मीटर के हिसाब से, और वो टोटल 20 मीटर है, तो 20 × 5 टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, ये 100 रुपए हो रहे हैं। अब आपको कह दे कि 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए लग रहे हैं, तो उसकी परिधि कितनी होगी, आप कुल जो रुपए हैं उसमें जो प्रति मीटर पे व्यय है उसका भाग दोगे, तो आपके पास ये आंसर 20 मिलेगा, या क्या होगा, उसकी परिधि होगी। तो यहाँ पर जो 24 रुपये दे रखा है, इसका भाग आप कुल 5280 में दोगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो उस वर्ताकार खेत की जो क्या होगी आपके पास परिधि का मान आएगा। तो यहाँ पर बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना है, वर्ताकार वर्ताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का कुल व्यय, बाड़ लगाने का कुल व्यय, तो कुल खर्चा कितना है, 5280 रुपये है। अब इसमें आप 24 का भाग दोगे, तो उससे पहले आप लिखोगे कि 24 रुपये किसका खर्चा है, प्रति मीटर व्यय कितना है, 24 रुपये है। तो वर्ताकार खेत की परिधि, तो परिधि के लिए आप 5280 में 24 का भाग दोगे, तो 24 की टेबल से 52 में 3, 24 की टेबल से 2 बार गया, 24 दुनिया 48 हो गया, 48 हो गया, 4 बचेगा, फिर 48 वापिस, 2 बार 48 हो गया, और ये 0 आ गया, तो ये कितना आ गया, 220 मीटर। वापिस वही क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, 220 वाला कंडीशन, तो 220 से त्रिज्या कितनी आएगी उसकी, 35 आएगी, और क्षेत्रफल कितना आएगा, 3850 आएगा। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए आप इसको मुख्य जबानी तैयार कर लीजिएगा। तो वर्ताकार खेत की वृद्धि कितनी दे रखी है, 220 दे रखी है, तो आपको जो जुताई करानी है वो क्षेत्रफल में होगी, तो क्षेत्रफल के लिए आर का मान चाहिए, तो उसके लिए ये परिधि का मान 2πr का मान किसके बराबर है, 220। ये अभी अपन ने सवाल किया था उदाहरण नंबर लास्ट, जिसमें आपको पहिया दिया हुआ था और उस पहिए का व्यास पूछा था, तो 70 आंसर आया था, वही क्वेश्चन है ये, सेम वही कैलकुलेशन बनेगी। तो 2 × π का मान 22/7 इंटू में आर बराबर 220, तो आर बराबर 220 इंटू ये 2/1 का बनेगा 1/2 इंटू 7/22, 22 की टेबल से 10 बार, 2 की टेबल से 5 बार, तो आर का मान कितना आ गया, 5 × 7 कितना आ गया, 35 मीटर, ये आर का मान है। तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको जुताई कराना है, तो वो क्षेत्रफल में होता है, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में आर का मान कितना है, 35 इंटू में 35 क्यों लिखा है, आप 35 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ताकि 35 वाला जो है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की टेबल से कितनी बार, 5 बार, तो इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3850 मीटर स्क्वायर आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया है। अब आपको जो व्यय दिया है वो 50 पैसे दिया हुआ है, 50 पैसे दिया हुआ है, तो आपको 3850 मीटर स्क्वायर का कुल व्यय ज्ञात करना है। तो प्रति वर्ग मीटर जो व्यय कितना दिया हुआ है, 0.50 रुपए, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, कुल व्यय हो जाएगा 0.50 इंटू में 3850। अब 0.5 क्या है, आधा होता है, तो 1/2 लिख सकते हो, तो इंटू में 3850, 3850 का आधा करना है, तो 3850 का आधा कितना हो जाएगा, 1925 रुपये आंसर आ गया। तो उस खेत की जुताई कराने का खर्च कितना लगेगा, 1925 रुपये लगेगा। तो ये जो 15.1 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जा सकते थे, वो अच्छी तरह से करवा दिए, तो आप इनका अच्छी तरह से रिवीजन कर। बाकी 15.2 से पहले एग्जांपल नंबर सेकंड, तो इसमें त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, तो बहुत फॉर्मूले लगेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में बताए हुए हैं,
वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। तो जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो थीटा से डिनोट करते हैं अपने, जैसे ये वृत्त है और केंद्र पे जो अंतरित कोण है ये कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी ये चाप हो रहा है, इसमें चाप की लंबाई 5 पाई है, तो ये ए बी चाप है तो ये इसकी लंबाई 5 पाई दे रखी है। तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए आर का मान आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये आर का मान आपके पास है नहीं, तो आप आर किससे ज्ञात करोगे, इस जो आपके पास चाप की लंबाई दे रखी है इससे आप आर का मान ज्ञात करोगे, और आर का मान ज्ञात होने के बाद आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 50 डिग्री है, वो थीटा से डिनोट करते हैं। तो वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण थीटा कितना है, 50 डिग्री। चाप की लंबाई, चाप की जो लंबाई है वो है 5 पाई सेंटीमीटर। देखो कोण 50 डिग्री है तो ये कोण 180 से कम है, तो यहाँ पे जो चाप होगा वो लघु चाप ही होगा। तो पेपर में कई बार ऐसे नाम दे देता है लघु त्रिज्यीय खंड, या कह देता है संगत त्रिज्यीय खंड ज्ञात, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 180 डिग्री से अगर कोण कम है, 180 में तो अर्धवृत्त हो जाएगा, वहां तो अर्धवृत्त का सूत्र लग जाएगा, अगर 180 से कम है तो वहां पर लघु त्रिज्यीय खंड बोलेगा। और आपको दीर्घ त्रिज्यीय खंड का ज्ञात करना है तो वो पूरे वृत्त में से आप लघु का माइनस कर दीजिएगा। तो चाप की लंबाई 5 पाई दिया हुआ है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा में 180, या 2 पाई आर थीटा बटा 360 वाला लिखो, बराबर कितना है 5 पाई। तो इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया। तो आर का मान आपको ज्ञात करना है, थीटा दिया हुआ है, तो आर इंटू थीटा कितना है, 50 डिग्री बटा में 180 डिग्री, बराबर कितना है 5। तो आप यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हो, तो आर का मान ये 5/18 है, तो 5 × क्या मिल जाएगा, 18/5, तो ये 5 से 5 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया है, 18 सेमी आ गया है। अब आपको लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल एक तो सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 उससे भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास चाप की लंबाई को अपन एल से डिनोट करते हैं, अगर आपके पास चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों है तो आप ये सूत्र भी लगा सकते हो, 1/2 × L × R। तो ये कब लगाना है, जब आपको थीटा का मान अगर दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एल और आर दिया हुआ होगा। अगर दिया हुआ है तो यहाँ इस क्वेश्चन की तरह एल और आर दिए हुए, तो आप ये लगाओ, जिससे क्या क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से भी कर सकते हो, तो भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे 1/2 × L का मान कितना है, 5 पाई × R कितना है, 18 है, तो 2 की टेबल से 18 को आप काट सकते हो 9 बार, तो 9 × 5 कितना हो गया, 45 पाई हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पाई का मान इसने कहा था कि 3.14 रखना है आपको, तो 45 × 3.14, 45 का गुणा करेंगे 3.14 से, 45 कैसे गुणा करेंगे, तो 45 का 4 बार करेंगे गुणा, तो 180 हो जाएगा, तो ये केरी लग जाएगी 18, 45 का 1 से करेंगे तो 45 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63, 63 में केरी लग जाएगी 6, 45 का 3 से करेंगे तो 135 में 6 जोड़ोगे तो 141, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 141.30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर पाई का मान नहीं देता है तो आप 45 पाई आंसर लिख सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, अच्छा एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर आपको जो पेपर में क्वेश्चन चेंज करके देगा तो ये क्षेत्रफल 45 पाई दे सकता है आपको, वो कह देगा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 45 पाई है, तो आप उसके चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो चाप की लंबाई कितनी आएगी, फिर 5 पाई आंसर आएगा। तो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आपको चेंज करके दे सकता है। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC तो है समबाहु त्रिभुज, और इसके प्रत्येक शीर्ष से जो है 10 सेंटीमीटर चाप काटे गए हैं, तो जो छायांकित भाग बन रहा है बीच में, जो मैंने छायांकित कर रखा है यहाँ पे, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप के आगे क्वेश्चन है, 15.3 में भी कई क्वेश्चन है, और 15.3 में एग्जाम्पल भी है जिसमें छायांकित पोर्शन का आपको एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको ये छायांकित भाग इसमें से आप क्या माइनस करो तब आएगा,
कि देखो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर आप ये तीनों भाग हटा दो तो ये बीच में कौन सा भाग बचेगा, शेडेड पोर्शन बचेगा। तो इस त्रिभुज का नाम दिया गया है यहाँ पे संभव त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसकी साइड आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला 9th क्लास में भी था और आपको ध्यान होना चाहिए क्या है, √3/4 × भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर पाई का जो मान और √3 का मान ये रखना है आपको, 22/7 नहीं रखना है और इसका मान 1.73 रखना है, 732 नहीं रखना, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिया हुआ आएगा प्रश्न में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिसकी भुजा अपने पास कितनी दी गई है 20। तो संभव त्रिभुज, संभव त्रिभुज एबीसी की भुजा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, भुजा कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, तो √3/4 × साइड स्क्वायर। √3 का मान यहाँ पे जो दे रखा है वो रखना है 1.73, दो भी नहीं लगाना है, बटा में 4 × भुजा कितनी है 20 का स्क्वायर। तो 1.73 बटा में 4 × 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 4 की टेबल से कितनी बार कटेगा 100। तो ये अगर पॉइंट हटाते हो तो बटा में 100 आता है और ये 100 से 100 कट जाता है, तो कितना आ जाएगा 173 सेंटीमीटर है स्क्वायर आ गया है, 173 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अपने को तीनों जो त्रिज्या खंड है, देखो संभव त्रिभुज है तो आपको त्रिज्या खंड का कोण ध्यान होना चाहिए, यहाँ ही बोलेगा नहीं त्रिज्या खंड का कोण कितना है, संभव त्रिभुज दिया हुआ है तो आपको ज्ञात होना चाहिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, संभव त्रिभुज का 60 डिग्री का होता है। तो इन तीनों त्रिज्या खंडों के कोण कितने हैं, 60 डिग्री है, और तीनों की त्रिज्या खंडों की त्रिज्या कितनी है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर के चाप काटे गए हैं तो ये भाग कितने कितने हैं सारे 10-10 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 10 है और प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो केंद्र का कोण है वो 60 डिग्री है, तो तीनों का क्षेत्रफल समान आएगा। तो आप तीनों का एक साथ निकाल लो, प्रत्येक त्रिज्या खंड, प्रत्येक त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है, प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या आर का मान है 10 सेंटीमीटर, तो तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आप यहाँ पे 3 का निकाल रहे हो तो 3 से गुणा कर दीजिएगा, इसमें मान रखेंगे तो 3 × पाई का मान कितना रखना है 3.14, r का मान कितना रखना है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा में कितना है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 की टेबल से 36 है वो 6 बार की टेबल से 6 दो बार, इसमें अपने पास 3.14 × 10 का वर्ग कितना होता है 100 बटा में कितना है 2। तो आप इस 2 से इसको काटिएगा मत, आप क्या कीजिए इनका गुणा कर लीजिए दोनों का, तो 3.14 जब 100 से गुणा करेगा तो 2 अंक बाद पॉइंट है तो ये 100 उसको हटा देगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये पॉइंट हटा दीजिए आप, बटा में कितना जाएगा 2 अंक बाद है तो 100, 100 से 100 कट गया तो यहाँ कितना बचेगा 100 आ गया। इन तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल अपने को चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्रफल से तीनों त्रिज्या खंड आप हटा दो तो बीच वाला भाग बचेगा छायांकित, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ए थ्री सेक्टर, तो कितना 170 - 157 में से 157 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को